रीवा जिले में शराब के नशे में दो आरक्षकों का दुकानदार के साथ विवाद करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने घटना को संज्ञान में लेते हुए दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस कप्तान नवनीत भसीन लगातार जिले में कानून व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुद को कानून से ऊपर मानने वाले चंद पुलिस कर्मियों की वजह से खाकी बदनाम हो रही है। ताजा मामला शहर के गुड़ चौराहे का है, जहां दो आरक्षक सुलभ सिंह और शंकर साके शराब के नशे में एक दुकानदार से उलझ गए और उस पर पुलिसिया रोप झाड़ने लगे, लेकिन दुकानदार ने सारे तमाशे का वीडियो बना लिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। घटना बीती शाम की है, जब गुड़ चौराहे पर एक दुकान पर दोनों आरक्षक सिगरेट पीने पहुंचे। दुकानदार ने सिगरेट देने के बाद जब पैसों की मांग की तो दोनों आरक्षक आग बबूला हो गए और दुकानदार से उलझ पड़े, जिसका वीडियो दुकानदार ने बना लिया, जो वायरल हो रहा है। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर जांच शुरू करवा दी है। कल दो आरक्षकों का एक वीडियो वायरल हुआ है, ये पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में आया। और जब वायरल वीडियो जब देखा गया, उसमें आरक्षक शंकर साकेत और दूसरा आरक्षक शुभम सिंह परिहार, ये कुछ नशे की स्थिति में दिख रहे हैं और एक दुकानदार के साथ अभद्र कर रहे हैं। ये पुलिस के आचरण के सिद्धांत के विरुद्ध उनका कृत्य पाया गया है, और जिससे उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करते हुए तत्काल निलंबित किया गया है और जांच आदेशित की जाएगी।